अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुरु श्री गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में वृद्धा आश्रम में आयोजित साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर एवं योग आध्यात्मिक शैक्षणिक कार्यशाला दूसरे दिन भी जारी रहा। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ योग संस्थान एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला के दूसरे दिन योग का मनोविज्ञान विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कटक उड़ीसा से आए महंत शिवनाथ, मुख्य वक्ता प्रोफेसर डीएन यादव, डॉक्टर विजेश मणि मिश्रा और योगाचार्य इंद्रजीत यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए महंत श्रीनाथ ने कहा कि मानव यदि अपने त्रिंद्रियों को वश में कर ले तो वह सांसारिक लोभ मोह और माया से मुक्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कठिन परिश्रम और त्याग करने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा, दर्शन शास्त्र के साथ है, तत्व ज्ञान के साथ यहाँ हमारे माध्यमिक वर्णा संस्कृत महाविद्यालय का अध्यापन है। ये हम सब विद्वान है, पंडित है, जानते हैं दर्शन शास्त्र के बारे में, लेकिन हम लोग जो है आसाम त्रिपुरा से आए हैं सबको पता नहीं है। छह प्रकार का दर्शन है, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को लेकर प्रोफेसर साहब दर्शन शास्त्र है, उनको सब पता है। ये छह दर्शन का अंदर योग एक दर्शन है और विज्ञान दृष्टि से योग का संबंध एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, आसन, बंध मुद्रा, इसका संबंध एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ है। जननेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, ये पंच ज्ञानेंद्रिय है, ये इंद्रिय को नियंत्रण करना, इंद्रिय को वास्तव में नियंत्रण करना नहीं है, क्योंकि इंद्रिय के पीछे मन है। मन नियंत्रित होने से इंद्रिय स्वतः नियंत्रित हो जाते हैं। मन ही आंख से देखता है, मन ही कान से सुनता है, मन ही नासिका से अध्ययन करता है। जो आस्था पंचभूत है, पंचभूत शब्द स्पर्श रस गंध इत्यादि पांच गुण है। ये पंच महाभूत का पंच गुण है, पंच गुण को पंच इंद्रिय से हम ग्रहण करते हैं। जैसे आकाश है, आकाश का गुण शब्द होता है, शब्द कान से हम सुनते हैं, श्रवण श्रवण इंद्रिय से ग्रहण करते हैं। आकाश, आकाश के बाद वायु, वायु का गुण होता है स्पर्श, स्पर्श अनुभव करते हैं त्वचा से, चर्म से। आकाश वायु अग्नि, अग्नि का गुण होता है रूप, रूप दर्शन करते हैं दर्शन इंद्रिय से। आकाश वायु अग्नि जल, जल का गुण है रस, रस स्वादन करते हैं जीवा से। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पृथ्वी का गुण है गंध, गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का गुण है गंध, गंध ग्रहण करते हैं नासिका से, ग्रहण इंद्रिय से। पंच महाभूत का पंच गुण है, पंच गुण को पंच इंद्रिय से हम ग्रहण करते हैं। मन ही ग्रहण करता है, पंच गुण को मन ही ग्रहण करता है। तो मन नियंत्रित होने से सब नियंत्रित हो जाता है। योग शास्त्र में प्रत्याहार एक शब्द है, प्रत्याहार, प्रत्याहार होने पंच ज्ञानेंद्रिय को नियंत्रण कर लेना, उसको संकुचित कर लेना। पंच ज्ञानेंद्रिय हमेशा बहिर्मुखी है, ये चक्र क्या है, ये चक्र बहुत सूक्ष्म वस्तु है,
का स्थूल रूप होता है कि शरीर के अंदर एक ग्लैंड है, ग्लैंड ग्लैंड में ग्रंथि, तो ग्रंथि को हम कह सकते हैं। मैं दो तीन उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे मन है, चित्त है, इसमें दो ग्रंथि है, एक पीनियल ग्लैंड एक पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ब्रेन का अंदर है और पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ है, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, दोनों सामने दो ग्लैंड है, पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड। शरीर का अंदर जितने ग्लैंड है, ग्लैंड से जो रस निर्मित होता है, ये रस को बोलते हैं इंटरनल सीक्रेशन, अंतःस्राव इंटरनल सीक्रेशन। ये इंटरनल सीक्रेशन से सारा शरीर स्वस्थ रहता है। यदि ग्लैंड वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, सीक्रेशन ठीक तरह से नहीं होता है, तो शरीर भी दुर्बल रुग्ण हो जाता है। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड दुर्बल होता है, रुग्ण होता है और उतने स्थान में दुग्ध नहीं आएगी, ये इसका प्रभाव इसका ऊपर है। और इसके बाद ये थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से जो रस निर्गत होता है इसका नाम थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड से निर्गत होता है तो थायरोक्सिन निर्गत नहीं होता है, तो शरीर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव क्या है? पहला बीमारी डिप्रेशन। डिप्रेशन ऐसा एक बीमारी है, वो मानसिक बीमारी है डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है, इसका लक्षण क्या है? कोई काम करने के लिए इच्छा नहीं होगी। आप धनी आदमी है, आपके पास पैसा का अभाव नहीं है, आपके पास गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, आप बड़ा ऑफिसर है, धनी है, सब कुछ है, कुछ अभाव नहीं है, लेकिन आपको कोई काम करने में आपका रुचि नहीं होती है। चुपचाप अकेला बैठते हैं, और इतने अपने पत्नी के साथ बात करने के लिए इच्छा नहीं होती है, अपने परिवार में जो लोग हैं उनसे जिससे बात करने की इच्छा नहीं होती, अकेला बैठने के लिए इच्छा होती है।